ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है कि रुकने के समय को हटाकर एक बस की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा आती है तथा रुकने के समय को शामिल करके यह 45 किलोमीटर प्रति घंटा आती है, तो प्रति घंटा बस कितने मिनट के लिए रुकती है? ठीक है, तो देखो यार एक चीज और है, मैंने सिर्फ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में दो फार्मूले बताए हैं आपको दूरी निकालने। एक तो चाल बराबर दूरी बटा समय, वो तो बेसिक है, कोई फार्मूला नहीं होता, वो तो कंसेप्ट होता है। दो फार्मूले बताए थे मैंने दूरी निकालने के, एक बताया था 2S1S2 / S1+S2 इंटू टोटल टाइम, ये दूरी निकालने का फार्मूला था जब कुल समय दे दे, ठीक है, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला एक और बताया था दूरी निकालने का जब डिफरेंस दिया हो समय का। तो देखो वो फार्मूला क्या बताया था, S1S2 / S1-S2 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, ठीक है, डिफरेंस ऑफ टाइम। लेकिन एक और फार्मूला बता देता हूँ सिर्फ इसी सवाल के लिए, ठीक है, एक यही एक अलग तरह का सवाल है, हालांकि मैं बिना फार्मूले के भी करवाऊंगा, ठीक है, दो तरीके बताऊंगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि अलग तरह का सवाल है तो कंसेप्ट आप भूल जाएं कभी, तो मैं एक छोटा सा फार्मूला बताऊंगा, बहुत सरल है, आप आसानी से उसको याद भी कर लेंगे, हालांकि याद करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर भी कंसेप्ट बताऊंगा आपको उसका सोल्व कैसे करेंगे, और फार्मूले से भी बताऊंगा, दोनों तरीके से करके बताऊंगा, ठीक है, फिर भी आप फार्मूला समझ लें। इसका फार्मूला होता है डिफरेंस ऑफ स्पीड अपॉन स्पीड विदाउट स्टॉपेज, कभी दिमाग में आपके रह जाए तो आप याद रखना, वरना इसको याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटू 60। बस डिफरेंस ऑफ स्पीड, दोनों चालों का अंतर 45 और 54। देखो ये क्या है, क्या कहना चाह रहा है ये, देखो पहले सवाल को समझ लो, मैं बता देता हूं पहले कि रुकने के समय को हटा दे, अगर एक बस नहीं रुके और बस की चाल 54 हो तथा अगर रुकने के समय को भी शामिल करें तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा आती है उसकी स्पीड, ठीक है, तो प्रति घंटा बस कितने मिनट के लिए रुकती है, जब भी समय अगर बस को रुकने के लिए बोल दे कि कितने मिनट रुकेगी, तो हम इस तरीके से करेंगे उसको। देखिए क्या है, डिफरेंस ऑफ स्पीड, इन दोनों का डिफरेंस 54 और में से गया 45, कितना बचा 9 बटे। स्पीड विदाउट स्टॉपेज, बिना रुके चाल, बिना रुके चाल कितनी है 54 है, देखो एक रुकने के समय को हटा दें तो स्पीड जो है वो विदाउट स्टॉपेज बिना रुके चाल तो 54 है, तो ये 54 है, तो इंटू 16 निकालना है हमें, ठीक है, ये फार्मूले से, तो 9 चंग 54, 6 से 60 कटेगा 10 बार, ये हो गया आपका आंसर इसका, कि टोटल जो बस है वो सिर्फ 10 बार रुकेगी। ये तो बहुत सरल सा तरीका बता दिया मैंने कि 10 मिनट रुकेगी टोटल, कितने मिनट रुकेगी तो 10 मिनट। हम इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं, फार्मूला है डिफरेंस ऑफ स्पीड, दोनों का अंतर इंटू स्पीड विदाउट स्टॉपेज, इस फार्मूले से किया है हमने, लेकिन फार्मूला नहीं करना है हमें तो इस तरीके से करेंगे हम, बता देता हूं मैं कि बस द्वारा चली गई 1 घंटे में दूरी कितनी है, पहले आप ये देखो, तो 1 घंटे में कितनी दूर चलेगी वो, 1 घंटे में तो 54 और 45, 9, डिफरेंस कितने का गया 9 किलोमीटर। अब ये 9 किलोमीटर क्या आया है, क्योंकि देखो वो रुक रुक के आ रही है ना, मतलब 9 किलोमीटर जो है वो एक्स्ट्रा चली, ये जो कम वाली है वो, ठीक है, अगर बिना रुके चलेगी तो 54 की स्पीड होगी उसकी, लेकिन रुक रुक के चलेगी तो उसकी स्पीड डेफिनेटली कम हो जाएगी, 45 हो जाएगी ना, मतलब 9 किलोमीटर वो एक्स्ट्रा चली, ठीक है, तो 1 घंटे में 9 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली, मतलब कम चली, अगर वो 54 की स्पीड से चलती तो 9 किलोमीटर जो है वो आगे बढ़ चुकी होती, ठीक है, तो उसकी स्पीड जो है वो 9 किलोमीटर कम हो गई, मतलब 1 घंटे में 9 कम चली, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो 9 किलोमीटर चलने में कितना समय लगा वो देखिए आप, ठीक है, तो देखो 9 किलोमीटर चला, 9 किलोमीटर चलने में उसको कितना कम समय लगा, तो आप देखेंगे कि 9 किलोमीटर जो चलने में उसको कितना कम समय लगा है, तो वो लगा है देखिए यहाँ पे 9 किलोमीटर कम चली है वो, एक्चुअली वो 54 की स्पीड के कारण, ठीक है, तो 9 चली है वो 54 की स्पीड के कारण, और 54 की स्पीड के कारण हर मिनट कितनी देर रुकेगी, तो मिनट में बदलने के लिए मैंने इस सवाल को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये सिंपल वन लाइनर आंसर है, ठीक है, ये एक अलग ही तरह का कंसेप्ट होता है, सिंपली बोल दूं मैं आपको कि ये अलग तरह का सवाल है जो सिर्फ एक बुक में कहीं हो सकता है, बाकी इस पे बेस्ड कोई और क्वेश्चंस नहीं होता है, सिर्फ एक अलग तरह का सवाल है ये, तो अगर आपको ऐसे समझ में आ गया हो तो आप ऐसे कर लें, या फिर मैंने आपको एक छोटा सा फार्मूला बताया आप उसको याद कर लें, जिससे काफी जल्दी इस सवाल को आप